बच्चों, हमने अपने पाठ में देखा है धरती को बचाने के लिए बदले अपने सोच में किस तरह हम धरती को बचाते हैं। तो इस पाठ में हमने ये देखने के बाद इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, व्हाट द मैसेज वी गेट फ्रॉम दिस लेसन, क्या मैसेज मिलता है इस लेसन से कि हमें प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पहली पॉइंट है कि पहला पॉइंट क्या है, हमें प्रदूषण से बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रदूषण प्रदूषण से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए, बचाने के लिए, बचने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रदूषण को हम कैसे बचा सकते हैं। हम जैसे हम जानते हैं कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और हवा प्रदूषण, ये क्या है, इन प्रदूषणों से हम कैसे बचें, किस तरह बच सकते हैं। तो हमें इतने सारे फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, इन फर्टिलाइजर के कारण क्या होता है कि भूमि की उर्वर शक्ति कम हो जाती है। और हम देखते हैं कि इस तरह से हमें अनेक फर्टिलाइजर यूज़ करने से जो हम खाते हैं हमारे शरीर में उन केमिकल का प्रभाव बढ़ता जाता है। इस तरह अनेक है, उस तरह हम देखेंगे हवा, जो हम जिस हवा में हम रहते हैं इतने सारे व्हीकल्स, अधिक से अधिक व्हीकलों का या संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वायु प्रदूषण होता है। इस वायु प्रदूषण के कारण हमारे नाक से और जो भी हवा लेते हैं, मुंह से जो हवा लेते हैं, हमारे फेफड़ों खराब हो जाते हैं, फेफड़े खराब हो जाती हैं। इस तरह से इस अनेक रोगों का भी हम पर आक्रमण के चांसेस मिलते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि हवा प्रदूषण से के बाद हमें भूमि प्रदूषण के बारे में सोचा, उसी तरह बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों से जो भी हवाएं निकलती हैं, उन हवाओं से अनेक तरह के रोग का भी होता है। और उस पान जो वे व्यर्थ पदार्थ हैं, उन पदार्थों को क्या करते हैं, नदियों में बहा देते हैं। उन नदियों में जिससे उन नदियों में बहने से क्या होता है, नदियों में जो भी जीव रहती है, मछलियाँ और अनेक जीव रहती हैं, उन सबको फिर हम ही उसको यूज़ करते खाने से, फिर क्या होता है कि वो मछलियाँ भी इन्फेक्टेड होती हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जल का प्रदूषण। वही पानी हम पीते हैं, उन्हीं पानी उसके कारण इस तरह हम क्या करते हैं, चारों प्रकार की भूमि, जल, हवा, ध्वनि ये भी है, उन सबको हम पोल्यूट कर रहे हैं। उनको ख़त्म करने के लिए, उनको रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। इफ एनी वन इज डूइंग, एनी वन इज डूइंग मोर विद द फॉर देम सेल्फ एज अ सेल्फिशली दे आर डूइंग, वी हैव टू राइज अगेंस्ट अवर वॉइस, वी हैव टू राइज अवर वॉइस अगेंस्ट देम। सो क्या करना चाहिए, इस पार्ट में आया है कि प्रदूषण को बचाने हमारे पर्यावरण को बचाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज क्या है, हमें मिलजुल कर उनको क्या करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि उन लोगों का विरोध करना चाहिए, उन लोगों का विरोध करना चाहिए, विरोध विरोध करना चा मिल विरोध करना चाहिए। किन लोगों का, जो क्या कर रहे हैं, जो पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, करना चाहिए जो पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, तो उनके विरोध आवाज उठानी चाहिए, उन लोगों का विरोध करना चाहिए या आवाज आवाज करना चाहिए जो पर्यावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। तो उन लोगों को, जो कुछ लोग जो अपने स्वार्थ के कारण इसका प्राकृतिक का दुरुपयोग करते हैं, नेचर का दुरुपयोग करते हैं, तो इसके साथ हम देखते हैं कि हमें अपनी धरती को बचाना चाहिए, हमारे नेचर को बचाना चाहिए, हमारी प्राकृतिक की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारी थर्ड पॉइंट है कि हमें अपनी नेचर की या अपनी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबल टू सेव अवर अर्थ, तो प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। इस लेसन में आया हुआ क्या है कि हमें प्रकृति की सेवा रक्षा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए इस लड़के ने कहाँ इस अपनी आवाज़ कहाँ उठाई, यूएनओ में अनेक देश होते हैं, अनेक ज़्यादा नियरली 189 कंट्रीज आर देयर इन यूएनओ द मेंबर्स। सो वहाँ पर उन लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है
इस बारे तो प्रकृति के बारे में जो नेचर को सेव करना है करके बताया हुआ है। तो हम देखेंगे कि प्राकृतिक वातावरण में धंधा अंधाधुन जो विकास हो रहा है वो शांति है या अशांति है, शांति है कि अशांति के बारे में बताया जा रहा है। तो हम देखेंगे इस पाठ में तो प्रकृति के रक्षा करनी चाहिए और मानव समाज का दायित्व है प्राकृतिक में जो अंधाधुन विकास हो रहा है वह हानि बचाना चाहिए। जो भी हम सोचते हैं वो डेवलपमेंट है, ये हमारी डेवलपमेंट है, बट वो डेवलपमेंट नहीं, वो क्या है, हमारा हमें हानि कर रहा है। वी आर थिंकिंग दैट वी आर डेवलपिंग सो मच, वी आर डेवलप्ड सो मच, वी आर सो हाई टेक्निक्स, हाई टेक्नोलॉजी पीपल और हाई टेक पीपल, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट इट वॉज अवर फॉल डाउन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है युगरत्ना श्रीवास्तव ने जीव जंतु को अलग और विशेष बताया है। तो ये भी बताया है, तो दिस इज द मेन थ्री थिंग्स वॉन्ट टू बी टेल। वन मोर क्वेश्चन, वाई वी हैव टू प्राउड अबाउट युगरत्ना श्रीवास्तव, क्यों हम युगरत्ना श्रीवास्तव पर गर्व करते हैं, क्यों करते हैं युगरत्ना श्रीवास्तव पर गर्व क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए। तो एक्चुअली द युगरत्ना श्रीवास्तव द एज इज ओनली 13 ईयर्स, हर एज इज ओनली 13 ईयर्स, बट शी टॉक टू हूम ऑल द UNO मेंबर्स एंड शी राइज द क्वेश्चन अगेंस्ट वॉट दोज आर डूइंग। तो ये क्या है, यहाँ पर युगरत्ना श्रीवास्तव युगरत्ना श्रीवास्तव पर भारत क्यों गर्व करेगा, क्यों भारत को गर्व क्यों है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वह कितने साल की लड़की है, सेकेंड पॉइंट क्या है, कितने साल की लड़की है वह, कितने साल की लड़की है, 13 साल की लड़की है। At the age is क्या है युगरत्ना श्रीवास्तव, कितने 13 years girl है, 13 years बालिका है, okay next बालिका। फिर क्या है, वह संयुक्त राज्य में पहली बार, संयुक्त राज्य में संयुक्त संघ में means UNO बड़ा UNO में भाषण दिया। next क्या है, उसने क्या भारत में रहने वाली थी दुनिया में फैले हुए क्या प्रकृति पर जो हमारे नेचर के विषय में उसने बात की, प्रकृति के विषय में सोचने के लिए मजबूर किया किसे सोचने के लिए, प्रकृति के विषय में सोचने के लिए सभी को मजबूर किया। ओके चिल्ड्रेन, एंड वन मोर थिंग इज क्या है, सोचने के लिए मजबूर किया और क्या कहा उसने, हमारे पास बुद्धि है और हमें सोचने के लिए मजबूर किया। और यह क्या, युगरत्न श्रीवास्तव ने प्रदूषण के खतरे के बारे में जानकारी दी, सोचने के लिए बोला। और युगरत्ना ने क्या है, भविष्य में आने वाली समस्या फ्यूचर इज अवर हैंड एज वेल एज प्रेजेंट इज अवर हैंड, फॉर प्रोटेक्टिंग अवर फ्यूचर वी हैव टू टेक केयर अबाउट अस प्रेजेंट। सो हियर क्या दे रही है युगरत्ना ने भविष्य भाषण में संसार को बढ़ते खतरे को की जानकारी
बारे में जानकारी दी। अच्छा चिल्ड्रन, तो ये क्या है, इस 13 साल की लड़की बालिका युग रत्ना श्रीवास्तव दिस गर्ल नेम वास्तव, युग रत्ना श्रीवास्तव ने क्या किया, भाषण यूएनओ में, यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया। और इस भाषण में क्या है, सारे दुनिया में फैले हुए क्या है, फैले हुए भाषणों को विषय में सोचने के लिए मजबूर किया, हर विषय में ने प्रकृति के विषय में सोचने के लिए मजबूर किया। ये लड़की इतने सोचने के लिए कि ये इस तरह सोचने के लिए कह रही है कि हमें, अगर हम इस पृथ्वी को बचाएं तो हमारा भविष्य भी बच जाएगा, ये बता रही है, अगर हम इस पृथ्वी को बचाएं तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी अच्छी होगी, हमारा भविष्य भी अच्छा होगा, हमारा नेचर भी अच्छा होगा, हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा, आने वाला जनरेशन, पीढ़ी आने वाला जनरेशन अच्छा होगा। इन सभी को नेचर पर सोचने के लिए मजबूर किया, इन नेचर पर सोचने के लिए किने मजबूर किया, सभी को मतलब किसे, यूएनओ वालों को, यूएनए के सदस्यों को, यूएनए सदस्यों को, मेंबर ऑफ यूएनओ को मजबूर किया, क्या मजबूर किया कि वो सोचे, इसके बारे में सोचे। और युग रत्न भाषण में यही बताया कि आने वाली पीढ़ी में क्या है, बढ़ते हुए खतरे, व्हाट दिस आर द डेंजरस थिंग्स वी आर थिंकिंग, आने वाले क्या है, पीढ़ी क्या है, डेंजरस डिसीज हो सकता है, डेंजरस क्या है? हम देख सकते हैं एनवायरमेंटल में सडनली हैपनिंग, व्हाट दिस है, फॉर एग्जाम्पल सुनामी, अर्थक्वेक, ऑल दिस नो सडनली दिस हैपन, तो ऐसे भविष्य में आने वाले क्या है, नेक्स्ट ओजोन लेयर के कारण हमें क्या हो जाता है, इस कैंसर, ये सब प्रकार के भविष्य में आने वाले के सब डिसीजेस हैं, और जो भी डेंजरस डिसीज, उनके बारे में ये चेतावनी दे रही है लड़की, जानकारी दे रही है कि हमारे फ्यूचर को हम सेव नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा भविष्य डेंजर में है, आने वाला भविष्य और आने वाला पीढ़ी भी बहुत ही डेंजर में है करके बता रही है युग रत्ना श्रीवास्तव। तो यहाँ पर हम देखेंगे युग रत्ना श्रीवास्तव में हमें अपने जल को कैसे संरक्षण करें, कैसे किस तरह हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं, किस तरह हम अपने चारों ओर वातावरण को संरक्षण कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। तो इससे पहले हम देखेंगे यूएनओ के बारे में, ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है, फिर से एक बार देखो यूएनओ के बारे में, पॉइंट वाइज देख लो। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर तीसरा प्रश्न है, हम देखेंगे तीसरे प्रश्न में संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या बोलते हैं, यूएनओ, तो इसके बारे में हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ओके, तो इसमें हम देखेंगे इसका, ये कब इसका निर्माण हुआ है, कब इसकी स्थापना हुई है और इसके उद्देश्य क्या हैं, ये भी हम देखेंगे। तो पहला है इसकी स्थापना मतलब एस्टैब्लिश्ड, कब हुआ इसका स्थापना, अक्टूबर 24, 1945 में हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन एम, उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर उद्देश्य में हम देखेंगे विश्व की शांति सुरक्षा और क्या आर्थिक विकास, क्या है, विश्व की शांति सुरक्षा और आर्थिक विकास। अंडरस्टैंड, तो ये विश्व की शांति मीन्स ऑल ओवर इन द पीस एंड सुरक्षा मीन्स सेफ्टी, आर्थिक विकास मीन्स इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो क्या होना चाहिए कि आर्थिक विकास करवाना चाहिए, क्या होना चाहिए, करवाना चाहिए, विकास कराना चाहिए, करवाना चाहिए, यह द्वितीय प्रेरणानक क्रिया है, तो यहाँ पर करवाना चाहिए। नेक्स्ट, भौगोलिक राजनैतिक एंड सभी के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए,
वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू आवर ज्योग्राफिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑल्सो वी हैव टू थिंक. एंड क्या है दोस्त तीसरा पॉइंट, क्या होना चाहिए हमें? भूगोलिक, भौगोलिक राजनीतिक और राजनीतिक सीमा पर क्या करना चाहिए? समूह पर काम करना चाहिए, करना चाहिए, सीमा पर काम करना चाहिए. तो ये है भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं पर भी काम देखना चाहिए. वी हैव टू टेक केयर अबाउट दिस ऑल्सो, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दवर बाउंड्रीज ऑल्सो वी हैव टू. इफ यू से दिस, तो इफ पॉलिटिकली वी विल से इफ एनी बॉर्डर्स border beside one neighboring countries are fighting, means economic condition is not good. So China and Pakistan border or India and Pakistan border, we have to take care the seema. So agar hamari seema achhi rahegi to hamara economical condition bhi achha hoga. So we have, these are the conditions we your Samyukt Rashtra Sangh is taking care. So once here, तो यहाँ पर पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाना फोर्थ पॉइंट इज. एंड पर्यावरण की समस्याओं पर, पर्यावरण की समस्या के समस्या को सुलझाना नेक्स्ट पॉइंट सुलझाना. और एक मुख्य कार्य है कि मानवीय दृष्टिकोण से सोचना. क्या है कि जो भी है हमें मानवीय दृष्टिकोण से सोचना चाहिए. क्या सोचना चाहिए? मानवीय दृष्टि से हम नहीं सोचेंगे तो मानव के बारे में है, संयुक्त राष्ट्र है मानव की दृष्टि में. संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बना? 1945 में एक युद्ध हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब फेंका गया. इन वी नो अबाउट दिस ना, हिरोशिमा नागासाकी यू स्टडीड ऑलरेडी इन एट और मे बी सोशल स्टडीज. सो हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा इन 1940 अगस्त 40 सॉरी. तो यहाँ पर क्या हुआ? एक बॉम्ब फेंका गया जो आज भी इसका इफेक्ट है. हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब फेंका गया उसका इफेक्ट आज भी है. तो क्या है कि वहाँ पर राजनीतिक के कारण क्या हुआ? झगड़ा हुए, युद्ध हुए, जिसके कारण है कि पर्यावरण बिगड़ता गया. जिसके कारण क्या है? पर्यावरण बिगड़ता गया. उसकी समस्या है कि हमें मानवीय दृष्टिकोण से सोचना चाहिए. मानवीय दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, दृष्टिकोण से कोण से सोचना चाहिए. जो भी है मानवीय दृष्टिकोण से सोचना चाहिए. ऐसा क्यों कहा है कि हमें मानवीय दृष्टि से सोचना चाहिए? क्योंकि यहाँ पहले से, क्योंकि क्या है, मनुष्य को एक वरदान के रूप में बुद्धि मिली है, तो बुद्धि लगाकर सोचना चाहिए. अगर नहीं होता तो शायद हमें एनिमल की तरह रहते. तो इसीलिए कहा. तो आप युगरत्ना के श्रीवास्तव, आपको किस तरह के आप युगरत्ना श्रीवास्तव के स्थान पर होते तो क्या करते, क्या करते, कैसे करते? युगरत्ना श्रीवास्तव के स्थान पर आप होते तो किस विषय पर आप प्रश्न उठाते? युगरत्ना श्रीवास्तव ने प्रश्न उठाया है कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या होना चाहिए. भौगोलिक सीमा पर शांति बनाए रखना चाहिए, भौगोलिक सीमा पर अच्छा प्रबंध लगाना चाहिए, पर्यावरण की समस्या को हल करना चाहिए और मानवीय दृष्टिकोण से. पर आप in the place of Yugratna Srivastava, what the steps you are thinking? So that is the question you think and write. So yahan, to iske alawa ek aur prashn hai main aapko puchungi. To पर्यावरण बिगड़ने से क्या हानि होती है? इफ पर्यावरण बिगड़ जाती है तो क्या करते हैं, क्या करेंगे, क्या हमें नष्ट होगा? तो यहाँ पर देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? पर्यावरण बिगड़ने से क्या होता है, क्या होता है पर्यावरण बिगड़ने से? हिमालय का पानी, फर्स्ट सेशन में हमने देखा था हिमालय का, जो हिमालय है वो पिघल रहा है. द मेल्टिंग ऑफ वाटर, स्नो इज मेल्टिंग. So first point,
इन्फ्रास्ट्रक्चर। सो क्या है हिमालय, क्या हो रहा है, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक और है प्रशांत महासागर का पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, प्रशांत महासागर का समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे देख जीव जंतु भी नष्ट होते जा रहे हैं, जीव जंतु भी नष्ट। द फोर्थ क्वेश्चन वंस अगेन, पर्यावरण बिगड़ने से क्या होता है। पर्यावरण बिगड़ने से क्या होता है, पर्यावरण बिगड़ने से क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि हिमालय पिघल रहा है। पिघलना मतलब मेल्टिंग, हिमालय पिघल रहा है। दूसरा पॉइंट है कि ध्रुवीय भालू मर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि पेड़ पौधे और जो है वनस्पतियां हैं, हमें नेचर से प्राप्त हुई वनस्पतियां वो लुप्त हो रही हैं, वे डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पशु पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि यहाँ पर कि प्रशांत महासमुद्र का पानी का स्तर ऊपर हो रहा है। तो प्रशांत महासागर का पानी का स्तर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता है, इसके कारण होता है, पानी का स्तर बढ़ने से क्या होता है, सुनामियाँ होते हैं, साइक्लोन्स होती हैं, और क्या है, वाटर चेंजेस कम फ्रॉम लाइक दिस, वाटर संबंधित जो भी है हमारे, और समुद्र में भी तूफान उठते हैं, तूफान के कारण साइक्लोन्स होते हैं, ये सब क्या है, इससे क्या होता है, प्रशांत महासागर में ही ऐसा होता है। ये केवल एक ही सागर में नहीं, और भी सागरों में भी ये कारण है कि पर्यावरण बिगड़ने से ये सब कारण है। तो हम यहाँ देखेंगे पर्यावरण संरक्षण में हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है, हम क्या कर सकते हैं पर्यावरण बिगड़ने से, वॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस आर द What our responsibility, what can we have to do to save our environment? क्या कर सकते हैं पर्यावरण को बिगाड़ने से, उसकी रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पर्यावरण संरक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारा क्या योगदान है, हमारा योगदान है। तो क्या योगदान है हमारा योगदान है कि हमें धरती को बचाना होगा, क्या होना चाहिए कि ये हमारा, ये पर्यावरण हम सबका है, क्या है, पर्यावरण हम सबका है। ओके नेक्स्ट पॉइंट, फिर क्या हो सकता है, हमें उसे बचाना होगा, क्या, अच्छा हम सबका है तो हम धरती को बचाना
होगा। नेक्स्ट बचानी, इफ यू से बचा, धरती को बचानी होगी या बचाना होगा। सो इससे ऐसे तो इसके लिए हमें एक मजबूत क्या होना चाहिए, गुड लीडरशिप होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। मजबूत नेतृत्व, नेतृत्व की ज़रूरत है। मीन्स गुड लीडरशिप इज मस्ट, ज़रूरत है। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट फोर्थ वन, यहाँ पर हम देखेंगे पेड़ पौधे लगाना चाहिए। नेक्स्ट पेड़ पौधे लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, हर कक्षा में क्या होना चाहिए, पर्यावरण संबंधित, हर कक्षा में क्या होना चाहिए, पर्यावरण हर कक्षा में पर्यावरण के पाठ अवश्य होना चाहिए। पर्यावरण के विषय में हर कक्षा में होना चाहिए, वो कोई भी कक्षा हो, और उसे हम अधिक से अधिक जैविक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक मतलब कि क्या है, ऑर्गेनिक थिंग्स को यूज करना चाहिए, जैविक तकनीकी की बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। ओके चिल्ड्रेन, होनी चाहिए। यूजिंग मोर एंड मोर ऑर्गेनिक थिंग्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनऑर्गेनिक थिंग्स। सो एंड क्या होनी चाहिए, हमें संयुक्त राज्य संघ का अवश्य मदद अवश्य आवश्यक है। और क्या होना चाहिए, हर समूह में इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट द सेम प्रश्न, मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ कि हमें क्या, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्यावरण हम सबका है, नेचर इज अवर्स एंड इट्स बिलोंग्स टू आवर ऑल, वी ऑल मेंबर्स। एट द सेम धरती को बचानी होगी, वी हैव टू सेव अवर अर्थ बिकॉज इट इज अवर्स। चिल्ड्रेन, नेक्स्ट मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है, व्हाट वी नेसेसरी गुड लीड, नेतृत्व मीन्स लीडरशिप, व्हाट इज दैट लीडरशिप मदृत और लीडर, मजबूत लीडरशिप की आवश्यकता है। पेड़ पौधा अगर नेता अच्छा होगा, लीडर अच्छा होगा, तो अपने वो देश की उन्नति में अच्छा काम कर सकता है। अगर देश का लीडर ही क्या अच्छा नहीं होगा, तो वो देश की उन्नति में कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए क्या करते हैं, नेता मुख के समान होना चाहिए। मुख के समान नेता होने से वह अपने देश को उन्नति के स्थान में ले जा सकता है। तो यहाँ देखिए, पेड़ पौधे लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम देखते हैं हर एक कक्षा में, जैसे हमारे सेवेंथ क्लास में भी अच्छा सच्चा दोस्त पेड़, उसी तरह हम देखते हैं आठवीं कक्षा में तो क्या है, आठवीं कक्षा में भी हम देखेंगे कौन है हमारे लेसन में, पेड़ पौधे, आग, पृथ्वी, नदियाँ, झरने, ये सब क्या है, नेचर से रिलेटेड है। उसी तरह हम देखें नाइन्थ कक्षा में, इसमें ये है, उसी तरह आठवीं कक्षा में भी नेचर से रिलेटेड है। तो पानी को बचाओ, पानी समझो, इसलिए कहा गया है कि हर एक क्या होना चाहिए, पेड़ पौधे कंपलसरी लगाना चाहिए। और इसके बाद हर कक्षा में पर्यावरण की अवश्य पाठ होना चाहिए। हर कक्षा में पर्यावरण से संबंधित पाठ अवश्य होना चाहिए, चाहे वह फर्स्ट क्लास से डिग्री तक, उस कंपलसरी उसमें उसके हर एक सब्जेक्ट में, हर एक विषय में क्या है, पर्यावरण के विषय में उसके पाठ होना चाहिए। और हम देखेंगे अधिक से अधिक जैविक वस्तुओं का, यस जैविक तकनीकों का, ऑर्गेनिक थिंग्स को अधिक यूज़ करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी को बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो दिस आर द थिंग्स you are learning in this. So I hope you understand. I given the question answers also. Next you will listen. Okay, thank you.